शौर्य चक्र प्राप्त विकास जाखड़ की मारपीट का मामला। जयपुर में विधायक रफीक खान के घर के बाहर हुई थी मारपीट। मामले को लेकर झुंझुनू जिले के भाजपा नेताओं पर गुस्सा। पूर्व सैनिक संगठनों के साथ मिलकर लड़ेंगे विकास के लिए लड़ाई। भाजपा नेता बबलू चौधरी ने कहा, विकास से मारपीट, झुंझुनू का अपमान। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पूरी तरह देश विरोधी सोच से हो गई है ग्रसित। एक सैनिक को लेकर बयानबाजी कर रहे सभी सैनिकों को अपमानित। मामले को लेकर भाजपा नेता बबलू चौधरी जल्द मिलेंगे मुख्यमंत्री से। मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग करेंगे भाजपा नेता बबलू चौधरी। झुंझुनू निवासी और शौर्य चक्र प्राप्त सीआरपीएफ के रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ से गत दिनों जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान के घर के बाहर हुई मारपीट के मामले में न केवल भाजपा बल्कि पूर्व सैनिक संगठनों ने भी विरोध किया है। भाजपा नेता बबलू चौधरी ने इस मामले में प्रेस वार्ता की और कहा कि वे जल्द ही मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और एक शौर्य चक्र प्राप्त सैनिक के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्होंने बिना मामले को जाने एक सैनिक पर सवाल उठा दिए। जिस तरह कांग्रेस राष्ट्र विरोधी बातें करती है, वैसे ही अब इनके नेता राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों को भी अपमानित करने से नहीं चूक रही है। उन्होंने कहा कि विकास जाखड़ का अपमान एक विकास जाखड़ का नहीं बल्कि सभी सैनिकों और झुंझुनू जिले के अपमान है। बबलू चौधरी ने आरोप लगाया कि विधायक रफीक खान विकास जाखड़ के नर्सिंग ऑफिसर पत्नी को विधायकी की रौप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसे लेकर विकास जाखड़ उनसे बातचीत करने गया, लेकिन विधायकी के रौब में न केवल उन्होंने विकास जाखड़ की पिटाई करवाई बल्कि अब उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि विकास जाखड़ ने पेपर लीक मामले में सरकार से नाराज होकर अपनी सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़ दी थी और आंदोलन में कूद गए थे। युवाओं के लिए उन्होंने आवाज उठाई और बड़ा आंदोलन किया था। सैनिकों का जिला है, कुछ सैनिक संगठन मुझसे मिले थे कि एक देश के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने वाले हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर हड़ताल पे बैठ। ऐसे शौर्य चक्र विजेता जिसने अपनी नौकरी से त्याग कि कांग्रेस के विधायक एक अस्पताल में उनकी पत्नी पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा उनको इस बात का उदाहरण देना चाहिए था। कोई भी कानून ये इजाजत नहीं देता कि वो उसके ऊपर हाथ उठाएं, उनके साथ मारपीट करें। मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो भी एक विधायक थे, एक जनप्रतिनिधि थे, अपनी शिकायत स्थानीय थाने में कर सकते थे। उनके घर पे आके किसी ने इस टोन में बात की या कोई गलत टोन में बात की या कोई गलत बात बोली, उनको कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं था। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और झुंझुनू के सैनिकों को, सैनिक संगठनों को, सैनिक पुत्र होने के नाते मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करके इस बात की जांच करवाएंगे। ये मांग रखेंगे कि जिन लोगों ने इस तरह का व्यवहार एक शौर्य चक्र विजेता के ऊपर किया है, वो कोई साधारण करूंगा कि सारे संगठनों को आगे आके, कम से कम झुंझुनू के तो प्रत्येक आदमी को आगे आके इस बात का विरोध करना चाहिए और हमें इन परिस्थितियों में खड़ा रहने का अपना कायदा बनता है। इसी परपज से मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मैं यहाँ के सैनिक संगठनों को लेकर और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि पानी का पानी करवाया जाएगा और एक सैनिक और सैनिक परिवार को न्याय दिलवाया जाएगा। झुंझुनू विधानसभा में इनका गाँव पड़ता है और वो एक इस तरह के जो शौर्य जान की बाजी लगाते हैं, वो देश के लिए समर्पित आदमी है, वो भावुक आदमी है। जब पिछले दिनों युवाओं कि हमारा झुंझुनू पूरे देश दुनिया में सैनिकों के लिए जाना जाता है, शहादत के लिए जाना जाता है और इस झुंझुनू के एक लाल जिसने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जिनको राष्ट्रपति जी के द्वारा शौर्य पदक दिया गया, वो शौर्य पदक विजेता जिनको पेपर लीक के प्रकरण में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जिले में जब कांग्रेस सत्ता में थी और युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ
कि सारे पेपर लीक हो रहे थे, उस समय उन युवाओं की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। एक ऐसे शौर्य चक्र विजेता के साथ जयपुर के एक विधायक रफीक खान के द्वारा उनके घर पे वो इसलिए गए थे कि उनकी पत्नी जो चिकित्सा विभाग में सेवारत है उसको बार बार रफीक खान जी वहाँ के विधायक के आवास पे बुलाया जा रहा था और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। एक सैनिक की पत्नी इस तरह से किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आती, किसी पॉलिटिकल आदमी की नौकरी नहीं कर रही थी, राज्य सरकार की नौकरी में थी। उन्होंने इस बात का विरोध किया और उनके पति ने जब इसके बारे में बात करने के लिए विधायक आवास पे गए तो विधायक जी को एक सैनिक जिस टोन में बोलता है, एक सैनिक अपना अधिकार जानता है, जिस तरीके से उन्होंने बात की वो बात उनको नागवारा गुजरी या उनके समर्थकों को, जो जिस तरह के समर्थक वो थे उनको ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। जिस तरह की ये घटना हुई ये बड़ी निंदनीय घटना है और मैं तो झुंझुनू विधानसभा, मेरी विधानसभा में जाखड़ों का पास उनका गांव पड़ता है और उनकी पत्नी से भी मैंने बात की। सारी बात का नतीजा ये निकला कि हो सकता है किसी जनप्रतिनिधि को, हमारे पास भी लोग बाग आते हैं, किसी को हो सकता है बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं लगे, लेकिन ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि घर आए हुए आदमी के साथ साथ आप इस तरह का बर्ताव करें, इस तरह की मारपीट करने का अधिकार आपको संविधान नहीं देता, भारत का संविधान भी नहीं देता। और कानून में आपको कोई भी बात गलत लगी उसकी शिकायत आप स्थानीय थाने में प्रशासन को इस बात की शिकायत कर सकते थे, आपने थे कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या मेरे साथ ऐसे सवाल जवाब किए गए, लेकिन आपने उसके विपरीत उनके साथ हाथापाई करवाई और उनके साथ जिस तरीके की मारपीट के वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे वो बहुत एक निंदनीय घटना है। एक विधायक के लिए डूब मरने वाली ऐसी बातें एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद सबका हो जाता है, उसके इस बर्ताव की मैं निंदा करता हूं। और मैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मिलकर यहाँ के कुछ सैनिक संगठनों को लेकर इस बात की जाँच करवाई जाएगी कि उनकी पत्नी को भी इस बात का न्याय मिले कि वो किस कारण से विधायक के आवास पे गए थे, उनका कारण क्या था और उनके साथ जो बर्ताव किया गया उसमें कौन कौन लोग ऐसे असामाजिक तत्व शामिल थे जिन्होंने उनके ऊपर हाथापाई की, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का हम मांग करेंगे और इसके लिए चाहे किसी स्तर के ऊपर आना पड़े हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। और ये झुंझुनू पूरा जिला इस बात के लिए उबल रहा है कि एक सैनिक जो देश के लिए न्योछावर हो जाते हैं उनके साथ ऐसी घटना हुई और कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इसका विरोध नहीं करते हुए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा और डोटासरा जी के द्वारा इस तरह के ट्वीट किए गए एक सैनिक के खिलाफ मैं उनकी इस घटना की निंदा करता हूं। वो अपनी राजनीतिक पोस्ट होने के नाते उनका कहना यह था कि मेरा कोई समर्थक आए, मेरा कोई नज़दीकी आदमी आए तो मेरे आवास पे आके आप उनको देखेंगे, आप आवास पे आके दवाइयाँ दे के जाएंगे और उनको उनके आवास के ऊपर सेवाएं चाहिए थी। जो कोई भी सैनिक परिवार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले ही MLA हो, MP हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको एक साधारण आदमी के जैसे अपने कोई रिश्तेदार या अपने कोई यार मित्रों को अगर कुछ भी ज़रूरत थी तो उनको अस्पताल में जाके सेवा लेनी चाहिए थी, जिसका उन्होंने गलत तरीके से बुलाने का प्रयास किया और उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया। ये जांच में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि उन्हीं को लेकर विकास जी जाखड़ उनके घर गए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इनको रफीक जी के ईगो की प्रॉब्लम है या कोई ज़्यादा उनके इस बात की ये हो गई कि मेरे खिलाफ़ इस तरह से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है, इस बात की
उनके कोई ना कोई कब्जी है इसी वजह से, नहीं तो ऐसी घटना कोई हमारे पास रात दिन लोग आते हैं, शिकायत लेकर भी आते हैं, जोर से बोल के भी कहते हैं, उनके बोलने का टोन भी अलग हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हैं और उन्हीं के इलाके में हैं, और इनकी जो बुलाया गया जिस तरीके से, उनको पहले भी उनके घर पे बुलाया, और ये सारी चीज़ें जांच में सामने आ जाएंगी। तो हम यही चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और उनका वहाँ जाने का और कोई पर्पज़ नहीं था, विकास जी का उनके घर जाने का और कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था। उसकी सही जानकारी होकर अगर विकास जी ने कुछ गलत बोला, कोई भी बात गलत बोली तो गलत बोलने की धारा लग सकती है, मारपीट करने का अधिकार कोई भी कानून इस बात का अधिकार नहीं देता है। विधायक को एक अधिकार ये है कि वो अपने यहाँ आके अगर कोई भी आदमी व्यवहार गलत करता है या कोई अपशब्द बोलता है तो उनकी धारा लग सकती थी। जिस तरह के ट्वीट अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी ने किए, उनके ट्वीट तो आप लोगों ने देखे होंगे, एक सैनिक के खिलाफ सिर्फ महज इस बात के लिए कि उनकी पार्टी के विधायक थे, इसलिए इस तरह के ट्वीट जो किए वो इस बात को दर्शाते हैं कि उनकी देश के सैनिकों के प्रति, और शौर्य चक्र विजेता तो अपने आप में एक अलग समर्पित देश के लिए समर्पित आदमी ऐसा हो गया, शौर्य चक्र तो किसको मिलता है इस बात की जानकारी शायद उनको नहीं थी, इसलिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया। वरना इतने जिम्मेदार पदों पर रहने वाले आदमी, एक पार्टी को लीड करने वाले, इस तरह के इस स्तर के नेता ऐसी ट्वीट करते हैं, मैं उनकी सबकी निंदा करता हूँ आपके। ये झुंझुनू का अपमान है, सैनिक का अपमान है।